नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय पात्रा जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद आदरणीय संजय जी। यहाँ आज रविवार के दिन भी पत्रकार बंधु मौजूद हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अ ग्रेट डील। आज का ये जो पत्रकार वार्ता है ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। ये दिखाता है कि किस प्रकार हिंदुस्तान के अंदर एक सरगना है, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा गैंग है जो कहीं ना कहीं भारतवर्ष को ही नीचा दिखाना चाहता है, भारतवर्ष द्वारा स्थापित किए हुए कीर्तिमानों को ये नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये सरगना जो है ये केवल भारतवर्ष में है ऐसा नहीं है, इट इज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और बहुत सारे डॉट्स, बहुत सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भारत में भी हैं और भारत के बाहर भी हैं। आज आपने अखबारों में सुबह पढ़ा होगा न्यूज क्लिक के विषय में। न्यूज क्लिक एक पोर्टल है, कुछ ऐसे पोर्टल हैं हिंदुस्तान में जो मीडिया का चोगा ओढ़ करके मीडिया बनने की कोशिश करती है मगर वो मीडिया नहीं है। तो न्यूज क्लिक भी ठीक उसी प्रकार का एक पोर्टल है जो मीडिया हाउस नहीं है मगर कहीं ना कहीं अपने आप को मीडिया के रूप में दिखाने का प्रयत्न करती है, भरसर प्रयास करती है। और आपने इस खबर में पढ़ा होगा किस प्रकार से करोड़ों रुपए, मैं उसका तथ्य आगे रखूंगा भूमिका में, पहले पूरे विषय को समझौता हूं फिर तथ्य रखूंगा, किस प्रकार करोड़ों रुपए विदेशों से संदिग्ध हिंदुस्तान आए हैं और उनका एक ही मकसद था हिंदुस्तान के सरकार और हिंदुस्तान का जो सिस्टम है उसको धता बताना, उसको फेल्ड बताना और विदेशों को, विदेश की जो ताकतें हैं और खास करके अन्य देशों का हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा करना। वी हैव सीन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल टूडे एज टू हाउ मनी ट्रेल इन फैक्ट वॉज देयर फ्रॉम फॉरेन नेशंस, एज टू हाउ डूबियस कैरेक्टर्स वर इन्वॉल्व्ड एंड द ओनली एजेंडा ऑफ दीज सो कॉल्ड पोर्टल्स एंड इन दिस पर्टिकुलर वन द पोर्टल कॉल्ड न्यूज क्लिक द ओनली एजेंडा इज प्रोपेगेंडा ऑफ अ फॉरेन नेशन एंड डिमीनिंग इंडियाज नेम। ये इस प्रकार का एक साजिश भारतवर्ष में चल रहा है। बंधुगण, आप सबने देखा होगा कुछ लोग अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, कई लोग इनको अर्बन नक्सल भी कहते हैं, माओइस्ट भी कहते हैं, ये लोग अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं। ये एक्टिविस्ट और ये जो पोर्टल वाले हैं जो मीडिया का चादर ओढ़ करके अपने आप को मीडिया के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ विदेशी ताकतें, उसके साथ साथ भारतवर्ष के मेन स्ट्रीम राजनेता भी कुछ ऐसे हैं जिनका एक बिल्कुल सरगना बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है और बहुत ही प्लांड तरीके से, बहुत ही सामंजस्य के साथ ये काम करते हैं। और इनका मकसद होता है भारतवर्ष में अनरेस्ट फैलाना, भारतवर्ष में अराजकता फैलाना, भारतवर्ष में कंफ्यूजन अर्थात भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करना। दिस इज पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल टूलकिट। हमने टूलकिट के विषय में आपको अवगत कराया था, टूलकिट का जो है पूरा का पूरा पर्चा आपके सामने रखा था। बंधुगण, आज ये जो न्यूज क्लिक के बारे में अखबारों में छपा है, जो तथ्य सामने आया है, एक बात स्पष्ट होता है कि टूलकिट केवल हिंदुस्तान में कुछ राजनीतिक दल चला रहे हैं ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर भी एक बहुत बड़ा ऐसा परियोजना है, एक प्रयोजन है, एक प्लान है, एक कॉन्स्पिरेसी है जो इस टूल किट का हिस्सा है। तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू पॉइंट आउट दैट अपार्ट फ्रॉम अ डोमेस्टिक टूल किट देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इन फॉर्म ऑफ एन इंटरनेशनल टूल किट। आप सबने देखा होगा कि जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, हमारी वैक्सीन नीति आप देख लीजिए, पूरे विश्व में हमारे वैक्सीन नीति को लेकर सराहना की गई, वैक्सीन मैत्री को लेकर सराहना की गई, किस प्रकार से हमने अपने देश में, इतने बड़े देश में 130 करोड़ जनता को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, उसमें भी किस प्रकार से हमारे देश को बदनाम किया जाए, हमारी वैक्सीन नीति को बदनाम की जाए, यह कुचेष्टा कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने, कुछ संस्थाओं ने किया है और कुछ पोर्टल्स ने भी किया है। आज समझ में आता है यह किस प्रकार से हो रहा था, फॉरेन फंडिंग के माध्यम से हो रहा था। सेंट्रल विस्ता,
ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं बंधुगण कि किस प्रकार एक सोची समझी साजिश चल रही है सेंट्रल विस्ता, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे माननीय कोर्ट ने कहा कि हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आगे बढ़ने चाहिए। मगर उसके बावजूद जिस प्रकार से कुछ लोगों ने जिद पकड़ करके, इन अ स्टबर्न मैनर दे वेंट अहेड विद देयर एजेंडा ऑफ डिमीनिंग द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, फ्रेंड्स टुडे वी रियलाइज इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फॉरेन फंडिंग एंड फॉरेन कॉन्स्पिरेसी वॉज प्ले। फार्मर एजिटेशन, बंधुगण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार फार्मर्स को अन्नदाता मानती है और अन्नदाताओं के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, किंतु इस पवित्र रिश्ते को किस प्रकार से इसमें दरार डाला जाए इसमें भी साजिश की गई। और आज ये जो न्यूज क्लिक वाला इशू हुआ है जिसके विषय में अभी मैं संक्षेप में बताऊंगा, ये बात स्पष्ट होता है कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए लगी हुई हैं। यहां कंफ्यूजन, भ्रम और अनरेस्ट अर्थात अराजकता कैसे फैले इसकी कोशिश हो रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में तो ऐसा नेता है ही जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं, विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनकी आंखों में वो खटक रहे हैं, तो एक बहुत बड़े रूप में किस प्रकार से भारतवर्ष के नाम को नीचा किया जाए, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेष्टाओं को, जो वो सुचेष्टा कर रहे हैं भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कैसे कम करके दिखाया जाए, यह सब कोशिश की जा रही है। किंतु मैं आप कह सकता हूं कि जनता जनार्दन है, वो मोदी जी पर विश्वास करती है। आज जो न्यूज क्लिक का पूरा विषय आया है, मैं संक्षेप में आपके सामने कुछ चौंकाने वाले तथ्य रखने वाला। बंधुगण, यूं तो कहते हैं कि न्यूज क्लिक एक साधारण पोर्टल है। देखिए, इस पोर्टल का नाम पीपीके के नाम से, पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। इसमें किस प्रकार से बाहरी ताकतें फंड भेज रही थी भारतवर्ष में, और किस प्रकार से इन फंड्स को लेकर ये फंड कहां जा रहे थे, किन लोगों को ये फंड दिया जा रहा था, मैं इसका खुलासा अभी करने वाला। ये जो पीपीके कंपनी थी जिसके अंतर्गत न्यूज क्लिक आती है, इन्होंने एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को एक्सेप्ट किया लगभग 10 करोड़ के आसपास, 9.59 करोड़ का। दो मुख्य कंपनियों ने पैसा दिया जिसका नाम है वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स LLC और दूसरा है यूएसए का डेलावेयर जिसका नाम है WWM। इन दोनों ने इसमें मेजर रूप में पैसा इन्फ्यूज किया एफडीआई के रूप में। और ये जो WWM है, इसमें तीन लोग मुख्यतः सम्मिलित थे, वो विदेश के थे, जैसन पेचर, नेविली रॉय सिंघम जो कि श्रीलंका के और उसके बाद अभी अमेरिका में है, और एक तीसरा व्यक्ति है जो एक विदेशी ताकत है और किसी विदेशी देश के फंड को पूरी तरह से हवाला के माध्यम से डाइवर्ट करके किस प्रकार से इसका यूटिलाइजेशन भारतवर्ष में किया जा सके, डूबियस रूट से उन्होंने WWM ने पीपीके अर्थात न्यूज क्लिक को भेजा। बंधुगण, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो निवेश होता है विदेश से, एफडीआई होती है, उसके लिए आपको एक शेयर वैल्यू दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये जेन्युइन लगे, ये बड़ी कंपनी थी तभी जाके हमने निवेश किया। कुल मिलाकर 10 रुपए प्रति शेयर का न्यूज क्लिक का वास्तविक जो चरित्र है वो 10 रुपए प्रति शेयर का उसका ओरिजिनल स्वरूप है, बट दैट वॉज इन्फ्लेटेड जस्ट इन ऑर्डर टू मेक न्यूज क्लिक लुक एज इफ इट वॉज एन ऑथेंटिक डेस्टिनेशन फॉर एन FDI। उसको इन्फ्लेट करके 11,510 रुपए का एक शेयर कर दिया गया। आप सोचिए ये षड्यंत्र में कितने लोग इन्वॉल्व थे और किस प्रकार से ये षड्यंत्र काम कर रहा था। केवल ये 10 करोड़ का जो FDI था, यही नहीं, लगभग 30 करोड़, टू बी प्रिसाइज 28.46 करोड़ रुपया ये जो न्यूज इसने भिन्न भिन्न एजेंसियों से विदेशों से रिसीव किया। जस्टिस एंड एजुकेशन फंड इंक USA, ऐसी बहुत सारी US के एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं जिनसे इन्होंने लगभग 30 करोड़ रुपए लिए हैं। और ये 30 करोड़ रुपए किस लिए लिए हैं? ये 30 करोड़ रुपए लिए हैं मेंटेनेंस ऑफ पीपल डिस्पैच पोर्टल। ये 30 करोड़ रुपए लेके एक पोर्टल है जिसका नाम है पीपल्स डिस्पैच पोर्टल, उसका ये मेंटेनेंस न्यूज क्लिक वाले करें। आप जानते हैं ये जो पीपल्स डिस्पैच पोर्टल है ये किसका है? ये भी ये न्यूज क्लिक वालों का है।
अपने ही पोर्टल को मेंटेन करने के लिए यूएस की कुछ कंपनियां, विदेशी कंपनियां, वो इनको 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और बदले में कहा गया हम आपको एक्सपोर्ट सर्विस देंगे, मतलब हम बहुत बढ़िया मेंटेनेंस करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने कैसे मेंटेन किया, हम सर्विस अपना एक्सपोर्ट करेंगे। मगर जब इनके प्रमोटर्स से पूछा गया कि आपने क्या सर्विस एक्सपोर्ट किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अर्थात ये विदेशी ताकतें जो हैं, ये पैसा किन्हीं और कारणों से भेज रही हैं, ये न्यूज पोर्टल के मेंटेनेंस का तो केवल बहाना है, कारण कुछ और है। अब मैं कारण बताता हूं किन किन लोगों को इस न्यूज पोर्टल के माध्यम से पैसा गया। ये करोड़ों रुपए बाहर से आए, 30-40 करोड़ तो मैंने अभी हिसाब दिया है, न जाने और कितना आया होगा। अब ये पैसा गया कहां? मैंने आपको कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कुछ राजनेता हैं, ऐसे कुछ एक्टिविस्ट हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक माहौल भ्रम का और अनरेस्ट का बने। आपको याद होगा गौतम नौलखा, क्योंकि एल्गार परिषद के जो माओइस्ट लिंक थे वो अरेस्ट हुए थे गौतम नौलखा। कई लोगों ने उन्हें अर्बन नक्सल भी कहा। और गौतम नौलखा जिन्होंने भीमा कोरेगांव केस में हिंदुस्तान में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की थी, उनको इसमें से लगभग 21 लाख रुपए मिले। ये तो एक रिकॉर्ड हमारे पास, आज अखबारों में भी छपा है। न जाने कितने सोर्सेस से ऐसे कितने रुपए इस प्रकार के एक्टिविस्ट्स को मिलते होंगे, यह चौंकाने वाला है। 21 लाख रुपए गौतम नौलखा को मिले। दूसरा, इसमें से लगभग 52 लाख रुपए बप्पादित्य सिन्हा। बप्पादित्य सिन्हा कौन है? बप्पा आदित्य सिन्हा है, ये एक बहुत प्रमुख व्यक्ति है, शेयर होल्डर भी है न्यूज क्लिक के, पीपीके के। मगर अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सिन्हा जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आईटी सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के आईटी सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं मिस्टर सिन्हा, और उनको 52 लाख रुपए दिए गए थे पीपीके कंपनी द्वारा, खुद वो शेयर होल्डर भी है। और तो और हमें समझ में यह नहीं आ रहा है, 9वीं क्लास पढ़ा हुआ एक इलेक्ट्रिशियन जोसेफ राज, जिनको 1.5 करोड़ से अधिक रुपए पीपीके ने दिया। क्यों दिया? ये सारा पैसा किसी के माध्यम से किसी और को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? देश में भ्रम फैलाने के लिए एक प्राइस टैग है, देश में कंफ्यूजन फैलाने के लिए एक प्राइस टैग है, दूसरे देशों का प्रोपेगेंडा करने के लिए एक प्राइस टैग है, मोदी जी को गाली देने के लिए एक प्राइस टैग है, हमारी सरकार को नीचा दिखाने के लिए एक प्राइस टैग है। असली किसानों के मुद्दे को अगर मोदी जी आगे बढ़ाते हैं, उसको किस प्रकार धता बता दिया जाए, उसके लिए एक प्राइस टैग है। सीएए पे किस प्रकार से रोड जाम कर देना है, अगर आप करने में सक्षम है तो एक प्राइस टैग है। जहां भी एंटी इंडिया कोई सेंटिमेंट हो, कोई नरेटिव हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्राइस टैग है। और यही साजिश विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के एंटी इंडिया फोर्सेस कर रही। आज बीजेपी सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहती है कि जीतेगा तो भारत ही, भले कितनी ये देश विद्रोही शक्तियां, देशद्रोही शक्तियां, एंटी इंडिया फोर्सेस चाहे कितना भी काम कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी विदेशी देशों से पैसा ले ले, मगर जीतेगा भारत ही, क्योंकि भारत की जनता बुद्धिमान है, समझदार है, इन सभी विषयों पर वो सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ाती है। धन्यवाद बंधुओं, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। See, as far as COVID is concerned, it is a matter of concern. We all have to follow COVID appropriate behavior. The Prime Minister of the country, the government of the day, the Supreme Court and all other courts have instructed us, have advised us accordingly. But I firmly believe that selectivism is something which has been taunted, which has been in fact called out by the citizens of this country. As far as the Kerala government is concerned, the news that has come out today, that despite the fact that the state of Kerala is reeling under high pressures of COVID, we have increased COVID patients there. We have
वी हैव टू टेक ग्रेट मेनी स्टेप्स टू सी टू इट दैट पीपल डू नॉट फॉल इल बट इज इट अपीजमेंट वॉट केरला गवर्नमेंट इज डूइंग इज समथिंग विच पीपल आर आस्किंग आई फर्मली बिलीव दैट केरला गवर्नमेंट वुड हीड टू ऑल दीज एडवाइजेस एंड वुड सी टू इट दैट द सिटीजंस ऑफ केरला आर प्रोटेक्टेड. मैडम फिर से क्या दिवस दस्तक दे रहा है नेशनल नहीं स्टेट से बाहर शहीद दिवस मना रहा है. अच्छी बात है. वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी. कोई भी शहादत को अपनी आंखों को नम कर सकता है शहादत में. मगर जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं बंगाल में जिस प्रकार से हजारों लोग बेघर हो गए जिस प्रकार से हमारे पार्टी के माताओं और बहनों के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है न जाने कितने लोगों को मार दिया गया है महिलाओं का बलात्कार हुआ है. इस विषय में जो NHRC का रिपोर्ट अभी दो दिन पहले आया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन बंगाल देयर इज लॉ ऑफ रूलर इन बंगाल. इस पर ममता बनर्जी क्या कहेंगी. मैं ममता जी से आज निवेदन करूंगा कि जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र को अपहोल्ड करने के लिए शहादत दी है उनके शहादत पर भी ममता बनर्जी कुछ कहें उनके बलिदान पर भी ममता बनर्जी दो आंसू बहाएं और क्षमा याचना करें जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था की धज्जियां बंगाल में उड़ाई है. थैंक यू.